हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टोस्टी किचन। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो है इजी एंड इंस्टेंट टी टाइम स्नैक, जिसे आप कभी भी तैयार कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट में, बिना किसी झंझट, बिना किसी परेशानी के, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे कभी भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो क्विक एंड ईजी टी टाइम स्नैक बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है 2 लंबे कटे हुए प्याज। इसमें ऐड करिए 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब ऐड कर दीजिए इसमें 1 ग्रेट किया हुआ आलू, 4 छोटा चम्मच बेसन, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके आपने स्नैक को रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमने सभी स्नैक्स को रेडी कर लेना है। तो इसका जो साइज है वो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी सब पीसेस को भी रेडी कर लेते हैं। सो सभी पीसेस रेडी हो गए हैं। अब एक पैन में कुकिंग ऑयल डालकर इन सबको डीप फ्राई कर लेते हैं। सो ऑयल में से अच्छी सी हीट आने लगी है, अब इसमें हम स्नैक्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम जो है वो मीडियम लो ही रखिएगा और जैसे ही ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इन्हें जल्दी से फ्लिप कर देंगे। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं अगर ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। यस, ये देखिए आपने परफेक्टली इस तरह का गोल्डन ब्राउन करना है इन्हें। अब एक एक करके सभी पीसेस को फ्लिप कर देते हैं। अब दूसरी साइड से भी इनके गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। सो स्नैक्स तो हो गए हैं परफेक्टली रेडी। गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देते हैं और अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ऊपर से हमने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर लेना है। सो कुरकुरे चटपटे मसालेदार इजी टी टाइम स्नैक बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए भाई, देर किस बात की है, चाय भी गर्मा गर्म तैयार कर लेते हैं और इन स्नैक्स का मज़ा लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे चैनल टोस्टी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।